कहाँ गया ब्रो? ठीक, तो अब यहाँ से मैंने इसको सेव कर लिया। अब मैं दोबारा जा रहा हूँ ब्राउज़र पे, न्यू गया और मैंने सेव किया अरे डैश फॉर, फॉर लूप के साथ इसे बनाते हैं फॉर लूप, ठीक है, और डॉट डैश डी एम एल, ठीक, जिसके साथ मर्जी आप यूज़ कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो एच डी एम एल बनाया, ओके, इसको ले देते हैं फॉर लूप, अरे ठीक है। तो अब मैं बॉडी बॉडी पे नहीं, अब मैंने क्या किया, स्क्रिप्ट लगाया, स्क्रिप्ट में मैंने मैंने वो एग्जैक्ट वो भी चीज़ उठा लेता हूँ, कॉपी किया तो इसकी जगह, तो इसकी जगह मैं ज़रा ना आपको ये तो क्लियर हो गया, तो इसकी जगह मैं आपको अब न्यूमेरिक से भी बताता हूँ न्यूमेरिक कैसे यूज़ करते हैं। दोनों से देखेंगे, कोई इशू नहीं है, सिंपल है। न्यूमेरिक सिर्फ ऐसे लिखते हैं, ठीक है, 20, 30, 50, ठीक है, और 60, या ऐसे लिख लो। अब हमारे पास कितनी वैल्यू आई है, ज़ीरो इंडेक्स कितने हैं, 0, 1, 2, 3, 4, फोर इंडेक्स, ठीक हो गया। स्पेस का कोई ऐसा कोई इशू नहीं है, इस पर प्रोग्रामिंग में मेरा नहीं ख्याल इशू होएगा, ठीक है, फिर भी हम इसको इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। अब हमें क्या लगानी है, फॉर लूप। तो फॉर लूप लगाने के लिए हमें क्या, हमें बताना पड़ेगा कि कहाँ तक उसको चलाना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक फॉर लूप लगाई, फॉर लूप ली, तो आप व्हाइल लूप भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। मैंने कहा वेरिएबल ए इज इक्वल टू ज़ीरो, वेरिएबल जो ए है वो ज़ीरो से स्टार्ट हो, इनिशियलाइज करवाया, मतलब ज़ीरो से स्टार्ट हो और ए लेस देन हो 5 से। अब 1, 2, 3, 4, 5, मतलब ज़ीरो से स्टार्ट है, 0, 1, 2, 3, 4, 4 तक जा रहा है, और जब 5 तक जाएगा वो लास्ट वाले को इग्नोर कर देगा, मतलब अनडिफाइंड कर देगा। तो उसके लिए हम पहले, सबसे पहले इसको 4 ही रहने देते हैं, क्योंकि 4 तक जाना चाहिए, 4 को एक्सेप्ट नहीं करेगा, 5 तक ठीक है, क्यों करेगा, क्योंकि उसने 5 से नीचे नीचे जो भी है वो लेगा। मैंने आपको आगे बताया था, अगर यहाँ इक्वल टू होता तो फिर उसने 5 को एक्सेप्ट करना था, अदरवाइज 4 को ही एक्सेप्ट करेगा। उसने कहा 5 से नीचे नीचे जितने भी ए में पड़े हुए सारे सो करो, और अब मैंने क्या किया, ए को प्लस प्लस कर दिया, ठीक है, और ब्रैकेट लगाया, कर ली ब्रैकेट लगाई, और मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट में, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट वाई में भी करवा सकते हो, जैसे आपका दिल करे प्रिंट करवा सकते हो, ठीक है। अब मुझे क्या प्रिंट करवाना है, इसमें प्रोडक्ट, प्रोडक्ट प्रिंट करवानी है, और प्रोडक्ट क्या है हमारा, प्रोडक्ट हमारा है वेरिएबल, और कहाँ प्रिंट करवाना है, किसके अंदर, ए के। ए प्रिंट क्यों करवाया, क्योंकि मैंने उसे बताया कि मेरे पास एक वेरिएबल है, उसका नाम है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट वो, और प्रोडक्ट में काफ़ी सारे इंडेक्स पड़े हुए हैं, काफ़ी सारी अरे की फाइल्स पड़ी हुई हैं। अब मुझे नहीं पता कि मैंने क्या करना है, मैंने कहा कि ये फाइल मुझे ज़ीरो से लेकर मुझे 5 तक जितने भी पड़े हैं मुझे सारे शो करवाओ। तो मैंने क्या किया, प्रोडक्ट का वेरिएबल लिया और उसके ब्रेसिस ब्रैकेट में, ब्रेसिस में मैंने उसे क्या शो करवाया, मैंने ए शो करवा दिया। ए क्या था, वेरिएबल था हमारा फॉर लूप चलाने के लिए, तो मैंने उसके अंदर उसे स्टोर करवा दिया कि अब ये ए वहाँ तक चले जहाँ तक मैंने उसे कंडीशन दी है। ये कंडीशन जो होती है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमने उसे कंडीशन दी है कि 5 से नीचे नीचे सब शो करवाओ। 5 से नीचे क्या होता है, 4, 2, 3, 1, 0, ठीक है, कहाँ से शुरू किया है हमने, 0 से, वो 5 से नीचे नीचे जितने भी हैं वो सारे शो करवा दे, ठीक है। तो हमने उसे ये कहा, सेव करता हूँ और प्रोटेक्ट चेक करता हूँ, ओपन ब्राउज़र करता हूँ। तो अब उसने क्या किया, 5 से नीचे नीचे जितने भी थे सारे शो करा दिए, 10, 20, तो थोड़ा सा मिक्सअप हो गया। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्लस का निशान लगाएंगे और डीआर लगाएंगे, ठीक है। अब हुआ क्या है, अब वो क्या कर रहा है, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में पहला क्या पड़ा हुआ है, 0 डेट में 0, 0 में पड़ा 10, वो नीचे जाएगा, फॉर लूप लगी हुई है, फॉर लूप में 0 को चेक करेगा, 0 है, ठीक है, वो 0 को कलेक्ट करेगा, देखेगा इसके साथ कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू है कि ए छोटा है 5 से, ठीक है, कंडीशन ट्रू, और ए प्लस प्लस, अभी ए को प्लस प्लस करेगा तो वो ए ही
वन को जीरो को वन पे प्लस करेगा तो जीरो ही रहेगा, तो मतलब इंडेक्स वैल्यू एक ही रहेगी, जीरो ही रहेगी। तो उसने प्लस प्लस किया, उसने कहा कंडीशन ट्रू है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी ठीक है। वो नीचे आया स्टेटमेंट, स्टेटमेंट में आया उसने कहा डॉक्यूमेंट राइट प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट में क्या पड़ा था 10, ठीक है 10 पड़ा। उसने कहा 10 को प्रिंट करवाया, उसने आगे देखा कि लाइन ब्रेक हुई हुई है, तो अगर मैं ब्रेक नहीं लगाता उसने एक ही लाइन में प्रिंट करने, उसने कहा लाइन ब्रेक हुई। वो नीचे आया, उसने देखा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया, उसने वापस फिर गया प्रोडक्ट पे, प्रोडक्ट पे उसने अगला वेरिएबल देखा इंडेक्स किया वन पे गया, टू वन पे गया, वन पे नीचे आया, यहाँ पर ए की वैल्यू क्या होगी 1। उसने आगे गया, आगे जाके उसने देखा कंडीशन क्या है, ए की वैल्यू में 1 है, तो 1 देखा उसने, ठीक है। अब 1 कंडीशन ट्रू है क्योंकि 5 बड़ा है 1 से, ठीक है, तो कंडीशन होगी ट्रू। उसने क्या किया, ए का प्लस प्लस कर दिया, मतलब देखिए कंडीशन ट्रू है तो ए 0 के अंदर एक को प्लस कर दिया तो 1 हो गया। अब 1 कंडीशन ट्रू ही नीचे आया, नीचे आके उसने क्या किया प्रोडक्ट को एक प्रोडक्ट प्रिंट करवा दिया। जब उसने प्रिंट करवाया 10 तो ऑलरेडी प्रिंट था, तो उसने देखा अगली प्रोडक्ट क्या थी 20। हमने एक के अंदर इंक्रीमेंट किया था 0 का, ए प्लस 1 प्लस 0 1, ठीक है, तो 1 आ गया यहाँ पर, 1 वाला इंडेक्स प्रिंट हो गया। तो क्या था 1 वाला इंडेक्स 20 प्रिंट हुआ। उसने देखा कि ये BR है, BR का मतलब लाइन ब्रेक, उसने कहा लाइन ब्रेक का एक टैग लगाया हुआ है, तो उसने लाइन ब्रेक की, वो फिर एग्जीक्यूट हुआ, फिर ऊपर चला गया। ऊपर जाके उसने सेकंड को देखा, सेकंड पे आया, A की वैल्यू क्या थी 2। उसने आगे गया, 2 ग्रेटर देन है 5 से, ठीक है 5 ग्रेटर देन है 2 से, तो वो ठीक है 2 A छोटा है 5 से। तो अब क्या हुआ, उसने A का इंक्रीमेंट किया, अब यहाँ पर क्या पड़ा था 0, उसके बाद क्या आया था 1, यहाँ पर वैल्यू ऑलरेडी थी 1, तो जब उसने इंक्रीमेंट किया तो वैल्यू क्या होगी 2, तो उसने 2 पे 30 पड़ा, नीचे आया, नीचे आगे प्रोडक्ट पे गया और प्रोडक्ट पे 13 उसने प्रिंट करवा दी और BR करके नीचे प्रिंट करवा दी। सेव करते हैं, सेव करके देखते हैं, तो एक लाइन पे उसने प्रोडक्ट हमारा प्रिंट करवा दी क्योंकि लाइन ब्रेक हो रही थी। तो अब अगर मैं उसे कहता कि ये मेरी प्रोडक्ट चले 1 से लेकर मेरी प्रोडक्ट चले 4 इंडेक्स, मतलब 1 और 3 के अंदर जो भी वैल्यू है वो प्रिंट करवाए, तो देखते हैं 20, 30 और 50, तो फॉर लूप ने क्या किया, जो वैल्यू थी वो प्रिंट करवा दी। तो फॉर लूप का कितना काम है, फॉर लूप का ये तो फॉर लूप का काम है, तो सोचो इफ की कंडीशन अगर कितनी लगती होंगी यहाँ, ठीक है। तो अब अगर ये देखो इसमें अब कितनी पॉसिबल वैल्यू बन सकती हैं, अरे इसलिए ज़रूरी है, तो अरे का वर्क मोस्टली हम PHP में अरे वो यूज़ होती है, क्यों यूज़ होती है, क्योंकि हमने बहुत सी चीज़ें प्रिंट करवानी होती है बैकएंड से, ठीक है। अरे से हमारा जो डाटा होता है ना, जैसे कि हम क्योंकि जावास्क्रिप्ट है, जावास्क्रिप्ट के साथ हम अटैच नहीं करते, जावास्क्रिप्ट के साथ हम SQL अटैच नहीं करते, उसके साथ हम JSON अटैच करते हैं। किसी ने JSON का नाम सुना हो तो JSON क्या होती है, JSON हमारी ऐसा कह लो कि JSON भी JavaScript कहना, तो JSON के थ्रू हम बहुत सारी वेबसाइट के टेम्पलेट टाइप के होते हैं ना, वो जो से कहते हैं जिसे हम पार्ट्स कहते हैं, जिसे जैसे टेस्टिमोनल कार्स, ठीक है, वो जेसन के थ्रू हम एक्सेप्ट करते हैं, कलेक्ट करते हैं। अब इसका काम जावास्क्रिप्ट में हम उसके साथ अटैच तो नहीं करते, पर जेसन के थ्रू हम उसे वर्क करते हैं। वो क्या करते हैं, पहले हम उसको वैल्यू में जेसन में कन्वर्ट करते हैं, जो भी आपकी बैकएंड से चीज़ आ रही है उसको जेसन पे कन्वर्ट करते हैं, उसके थ्रू हम वर्क करते हैं। और इसमें आप सोचो, आप खुद देख लो क्या क्या प्रोग्राम बन सकते हैं। तो अगर एक और छोटा सा, हाँ ये भी हो सकता है कि हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट, तो इसमें हम अगर कुछ प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, जैसा कि मैं चाह रहा हूँ कि टेबल बनाना चाहते हैं, टेबल बना सकते हैं, इसको टेबल की फॉर्म में लेके आ सकते हैं। तो टेबल की फॉर्म में लाने के लिए सबसे पहले हमें टेबल लगाना पड़ेगा, ठीक है।
चाहिए 900। डबल क्वेश्चन है, टेबल की फॉर्म में भी इसे ला सकते हैं। तो इससे पहले टेबल बनाया, ठीक हो गया। अब टेबल के लिए हमें क्या चाहिए होता है, सबसे पहले टेबल चाहिए होता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट में हमें एक, मैं इसे कॉपी कर रहा हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट में हमें टेबल के बाद टीआर चाहिए होता है, ठीक हो गया, टीआर चाहिए। अब डॉक्यूमेंट डॉट ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया। अब जहाँ ये प्रोडक्ट है उससे पहले हमें यहाँ पर लगाना पड़ेगा टी डी या टी एच, टी डी लगाया और टी डी यहाँ जाके क्लोज कर दिया। तो मेरा नहीं ख्याल, सॉरी, ये कर्ली ब्रैसेस में, ओ डबल कोटेशन में प्लस, ठीक है, और इसके बाद ये भी डबल कोटेशन में, और मेरा ख्याल इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अब, ठीक हो गया। अब क्या हुआ, अब यहाँ तक वो चलेगा, और यही अगर चीज़ मैं उठा लूँ, कॉपी कर लूँ और यहाँ पर लगा दूँ, तो अब क्या होगा, हमारा प्रोग्राम का एक टेबल बन जाएगा। अब उसको हम बता भी सकते हैं अपनी मर्जी से कि हमारा टेबल कहाँ तक चले, ठीक है। तो देखते हैं सर्च करके, अदरवाइज प्रॉब्लम कहीं आए ना, ठीक है, परफेक्ट है, सेव किया, देखते हैं। तो टेबल की फॉर्म में आ गया, देख रहे हो लाइन दरमियान में एक ब्रेक हुई है, तो टेबल की फॉर्म में हमारा टी आर टी डी आ गई है। तो अब अगर इसको स्टाइलिंग हम करें, स्टाइलिंग में अगर मैं इस ब्रैकेट के अंदर टेबल के अंदर टेबल को मैं कह दूँ स्टाइल, मैंने अगर स्टाइल यूज़ किया था, ठीक है, डॉट ख़त्म करो, कलर दे दो इसको, कलर दे दिया रेड, तो सोच लो जावास्क्रिप्ट का कितना काम है, रेड दिया, उसके बाद मेरा ख्याल इसको कलर नहीं आएगा, इसको आएगा, तो जो भी प्रॉपर्टी पहले जो अप्लाई की होगी ना आपने नीचे, उसी को ऊपर कॉल करवानी है, तो आप इस तरह यूज़ कर सकते हो, तो देखना पड़ेगा क्या यूज़ किया था, ठीक है। तो अब इसके अंदर जो सा है हमारा आ सकता है बैकग्राउंड कलर, आ सकता है कलर, ठीक है, डबल क्रिएशन में हम रेड देते हैं, कॉमा लगा के बंद किया, सेव किया, ठीक है, बैकग्राउंड कलर रेड आ गया। अब ये देखो, अगर ये कंडीशन में मैंने ये लगा दिया है, तो अगर मैं इसी फॉर लूप को एक बार और यूज़ कर सकता हूँ नीचे वाले बनाने के लिए, सेव किया है, तो उसके लाइन आगे आगे लाइन ब्रेक करते हैं। लाइन ब्रेक करने के लिए हमें इसके साथ भी क्या लगाना पड़ेगा, टी आर टी डी। तो यहाँ पर इसी को कॉपी करते हैं, टी आर टी को, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा काम, पर ये है कि आइडिया है, यूज़ करने का तरीका आपको आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर पेस्ट किया, क्लोज कर, अब ये इसका हो गया, नहीं ये वाली चीज़ को उठाते हैं, ये फालू यहाँ से लेकर यहाँ तक जा रही है ये चीज़। अब देखते हैं, अब देखो, अब टेबल की फॉर्म में बन के आ गया। तो टेबल की फॉर्म में हम किस पे लगाते हैं बॉर्डर, टी आर में या टी डी में, बताओ कोई, बॉर्डर किस पे लगाते हैं, सिर्फ बॉर्डर टेबल के साथ ही लगाते हैं, बॉर्डर टेबल के साथ ही लगाते हैं, चलो बॉर्डर लगा देते हैं, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ठीक है, तो पिक्चर ठीक है, ओके, क्लियर है, सेव कर रहा हूँ। मेरा नहीं ख्याल बॉडी के साथ होता है, बॉडी के बैक पे लग गया। तो फ्रंट पे लगाने के लिए हमें, वैसे तो हम तो स्टाइलिंग यूज़ करते हैं, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट में, तो मैं बेसिकली ये इस पे यूज़ कर रहा हूँ, पर अगर आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे यूज़ करो तो मेरा ख्याल आपका काम और आसान हो जाए। सिर्फ और सिर्फ आपने क्लास कॉल करनी है और आईडी कॉल करनी है, तो डॉक्यूमेंट टेबल प्रॉपर टेबल यहाँ पर बना होगा, सिर्फ और सिर्फ आईडी कॉल करनी है, क्योंकि टेबल प्रॉपर बना होगा यहाँ पर,
तो यहाँ पर पूरा टेबल बना होगा, सिर्फ आईडी कॉल करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको इतना जो सा स्ट्रक्चर हमने बनाया है ये वाला, ये बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आईडी देनी पड़ेगी यहाँ पर। तो ये जो वर्क है आईडी वाला ये आप करोगे, बहुत ईजी ये वर्क, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट। सर इसका डाटा टेबल में स्टोर हो जाएगा? डाटा टेबल में स्टोर हो जाएगा, जैसे मैंने ये, अब ये भी तो टेबल बन रहा है, ये देखो ये टेबल बन रहा है ना, बेसिकली टेबल ये है। अगर मैं इसके फोन साइज थोड़ा सा बड़ा कर दूं ना तो वो टेबल ही लगेगा। अगर यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ 6, तो ठीक है, स्टाइलिंग करनी है, स्टाइलिंग में म्यान में लाइन आ जाएगी तो टेबल बन जाएगा। ठीक है, तो अब आपने जो वर्क करना है वो क्या करना है, मैंने बनाया है इसके अंदर कोडिंग के अंदर, तो कोडिंग थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। अरे का काम ये है, अब आप फॉर लूप के साथ ये नहीं बना सकते, और फॉर कह दिया आप उसके साथ नहीं बना सकते, वेरिएबल के साथ आप इफ की कंडीशन के साथ ये चीज नहीं बना सकते। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा, इफ की कंडीशन के साथ ये चीज नहीं बन सकती, जो सी अरे के साथ चीजें बन जाती हैं वो इसके साथ फॉर के साथ नहीं बनती। हाँ अंदर यूज करना पड़ती है कंडीशन, पर बन नहीं सकती। इंटरनल लाइनें कैसे आएंगी? इंटरनल, ओहो यार इंटरनल लाइनें यहाँ पर मुझे नहीं पता, यहाँ पर देखना पड़ेगा किस पे लगनी है, टीडी में लगनी है, टीआरडी में लगनी है, बॉर्डर लगाना पड़ना है कहीं ना कहीं। चलो बॉर्डर लगा देते हैं यार, सॉलिड हाँ तो मैं वही बात कर रहा हूँ ना, ये वाली मेरी चीज को इग्नोर कर दो ना आप, ये जो सब मैंने बनाया है आपने नीचे बना लेना है यार। यहाँ बनाकर आईडी कॉल करोगे, आईडी पे आईडी नहीं कॉल कर सकते, तो वो वाला बनाना है ना आपने। ये तो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया कि ऐसे भी बन जाता है, ठीक है। और यहाँ पर आईडी कॉल करोगे टेबल, टेबल वन, ठीक है। अब क्या होगा, आपने यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट में जाना है, ये यहाँ पर मैंने डॉक्यूमेंट डॉट लिखा है, आपने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या लिखना है, डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी में जाके आपने डबल कोटेशन में जाके नाम दे देना टेबल वन, ठीक है, और डॉट, ठीक है, डॉट इनर एचटीएमएल में कुछ देना हो, लिखना हो तो हाँ लिखना पड़ेगा इनर एचटीएमएल में, अभी तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कुछ लिखने की, वो बस ठीक है यहाँ तक गेट करनी है, ठीक है, ये टेबल पता लग जाएगा उसे, ठीक है। यहाँ पर आपने एक उसकी आईडी बना लेनी है, उसके बाद इधर आपको लिखना पड़ेगा ये जो चीज़ है, यहाँ पर आपको लिखना ही पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी में आपने डबल कोटेशन में लिखा उसकी आईडी जो भी होगी, टीडी की आईडी हो सकती है, जैसे मैंने टीडी वन लिखा, ठीक है। उसके बाद इनर डॉट इनर एचटीएमएल में डबल कोटेशन के साथ मैंने इसको क्या प्रिंट करवा दिया, प्रोडक्ट, कोई बात नहीं, ठीक है, मैं बता रहा हूँ सिर्फ, बात सुन लो, यहाँ पर ये लिख देना बस, इतना सा काम था, ये वाला जो काम है मैंने अंडरलाइन किया हुआ है ये देखो, इतना सा ये वर्क करना था, और टेबल का टीडी में जाके इसमें सेव हो जाना चाहिए सारा डाटा जो सामने ऊपर दिया हुआ है, यार ये चीजें जो सी है ये इसको यूज करने से ही आती है, ठीक है, जिसे कहते हैं ना पंगे लोगे तो आएगा कुछ ना कुछ, ठीक है। कोडिंग ऐसी चीज़ है जब तक इसके मुतालिक आप पंगे नहीं लेते ना उल्टे सीधे, तो फिर नहीं आती, अदरवाइज नहीं आएगी, ये लेने पड़ते हैं इसके
इसमें दिमाग खर्च करना पड़ता है, बताना पड़ता है कि यार ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो नहीं सकता, ठीक है, तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ती है यार। यार ये टेबल वाला मैंने अभी आपके अभी 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 सोचा है, मैंने कोई ये नहीं कि मैंने लेक्चर मैंने किया रीड किया या जो भी है, अभी अभी सोचा है मैंने, ठीक है, जो भी मैं आपको काम करवा रहा हूँ ना, ये मुझे भी प्रॉब्लम आती है क्योंकि मैं अभी सोच रहा हूँ अभी जो चीज़ें, हाँ यहाँ तो मैं लेक्चर रीड करके आता हूँ ना, तो फिर तो मुझे प्रॉब्लम ना आए, फिर तो मैं तो आपको ए टू जेड सारा कुछ सही बताऊँ और मुझे भी प्रॉब्लम ना आए। मैं जो भी चीज़ करता हूँ आपके सामने परफेक्ट करता हूँ, और कभी एक आधा होगा, एक आधा दिन हुआ मैंने लेक्चर देखा होगा, रीड किया होगा, अदरवाइज मैंने लेक्चर में कम ही रीड करता हूँ, टाइम बहुत कम होता है। अब ये मैंने जो वर्क किया है आपके सामने अभी किया है, टेबल वाला बनाया है, मुझे मेरे माइंड में आया कि टेबल बना देता हूँ, ठीक है, तो मैंने टेबल बना दिया। ये जो चीज़ें होती हैं, अब मुझे प्रॉब्लम इसमें आज तो नहीं आई, पिछले दो दिन में मुझे प्रॉब्लम आई थी, सबमिट मैंने बट वो यूज़ कर लिया वेरिएबल, उसके बाद मैंने एक में मैंने वेरिएबल इन ले लिया, उसमें मुझे प्रॉब्लम आई, तो मैंने इसलिए मैंने सोचा कि इस तरह अच्छा है बंदा वेरिएबल ले दूसरे, कैसे वेरिएबल ले, जिसमें जैसे टेबल वन लिख लिया, या मैं कह देता हूँ रजिस्ट्रेशन आर जी टेबल, ठीक है, इस तरह के वेरिएबल में कभी प्रॉब्लम नहीं आती आपको। तो ये वाला जो प्रोजेक्ट है, ये वाला जो टेबल यहाँ यहाँ पर जो टेबल प्रिंट होगा, ये आपने वर्क करना है, और कब करना है, अभी करना है, अभी अभी ऑनलाइन मुझे सबने चेक करवाना है, तो करो वर्क इस पर स्टार्ट, अरे अरे के साथ फॉर लूप लगा के यहाँ पर वर्क करना है, तो कोडिंग कोडिंग मैं सेंड कर रहा हूँ, जी जी समझना है तो समझ लो, अभी समझ लो क्योंकि ये तो जी जी ये तो हमने मतलब मल्टीपल रो के लिए लूप तो लेदर लगेगी ना, अब कैसे एक रूप में हाँ ये मैंने तो वो लूप लगाई ना, अब नीचे वाला जो उसमें हर चीज में चेंजिंग है ना, हाँ उसके बाद ये कर सकते हैं कि लूप तो लगेंगे, लूप के बगैर गुजारा नहीं होना, एक हाँ ये हो सकता है ये वाली जो लूप है ना यही यूज हो जाए नीचे की, पर लूप्स लगानी ही पड़ेंगी, आपने कभी प्रोग्राम देखा हो उसमें लूप्स लगी होती है, बेशुमार लूप्स लगी होती हैं, ये तो हमने दो लगाई हैं अभी सिर्फ, तो एक लूप से हैंडल नहीं होगा कभी भी स्ट्रक्चर, एक लूप से हम एक लूप से भी तो टेबल को डिस्प्ले कर सकते हैं ना, टेबल पूरे को तो नहीं डिस्प्ले कर सकते, कैसे करोगे, जैसे कल टेबल लेके हुआ था वो टेबल है, ये वाला मैं दूसरा टेबल कह रहा हूँ, वो था दूसरा टेबल जो सा आप एक दूनी 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 वाला पढ़ते हो, ठीक है, तो ये दूसरा टेबल मैंने कहा है, ये प्रोडक्ट सेव करने वाला टेबल है, ठीक है, ये देखें ये प्रोडक्ट सेव हो रही है, अरे ऐसे वो तो मैंने करवाया ही नहीं है, वो जरूरत नहीं है, वो ट्रेस पड़ा हुआ है, ये चीज़ें कहाँ पड़ी हुई है, कभी भी नेट में नहीं मिलेंगी ये चीज़ें क्योंकि मैंने अभी करवाई है ये वाले, ठीक है, ये नहीं नेट से मिलेगी, मेरा जो मैं जो वर्क करवा रहा हूँ ना वो मुश्किल ही है कि नेट से आपको मिले, पर बहुत कम में मिले, पर अदरवाइज मैं वही वर्क करवाता हूँ जो सा अभी रिसेंटली मेरे माइंड में आता है, ठीक है, तो क्या फ़ायदा उसका, जो टेस्टिंग तो पड़ी हुई है, आप खुद भी पढ़ सकते हो, रिसर्च कर सकते हो, मैंने आपको एक डिफरेंट चीज़ करवाई है, ये वाला जो टेबल है ये देखो ना, टेबल क्या है, मैंने एक यहाँ पर इस जगह पर प्रोडक्ट हो सके, अगर मैं यहाँ पर ये देखो कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पर हमारी प्रोडक्ट का नेम हो सकता है, यहाँ पर मैं हो सकता था नेम डबल कोटेशन में नेम, ठीक है, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, पहले हो सकता था रोल नंबर, रोल नंबर ठीक है, नेम लास्ट नेम, ठीक है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम नेम फर्स्ट नेम, ठीक है, तो उसके बाद सी एन आई सी फोन नंबर, ठीक है, उसके एक यहाँ पर ओके ये चीज़ आ गई,
अब मैं इसका प्रोडक्ट का नाम मैं इसकी जगह ला देता हूँ, इसको कह देते हैं रेजिस्ट, ठीक है। अब क्या किया, ये कहाँ तक जा रही है, 1 2 3 4 5, तो ये भी 5 तक है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, मैं गया हूँ फर्स्ट पे, मैंने ये ए प्रिंट कराया और मैंने यहाँ पर इसकी जगह से कह दिया आर ई जी, तो आर ई जी मैंने लगाया, मैंने प्रिंट किया, सेव किया, तो हमारे पास रोल नंबर उसने 1 क्यों शो करवाया, रोल नंबर सिर्फ शो करवाया, एक क्यों करवाया देखते हैं। आर ई जी में यह है रोल नंबर, ठीक है, रोल नंबर ही शो करवाया है, कमेंट रोल गेट टेबल ए को जीरो दिया हुआ है, पर ये भी तो देखो ना, ए ग्रेटर देन जीरो है ना, सॉरी ये प्रोडक्ट यहाँ नहीं, ठीक है, ये चीज़ यूज़ की हुई है, उसने किसी चीज़ को गेट नहीं किया, अंदर कॉम्प्लिकेटेड किया प्रोग्राम, तो उसको देखना पड़ेगा, ठीक है। ये देखो रोल नंबर, नेम, लास्ट नेम, सीएनएससी और फ़ोन नंबर। अब जो है प्रिंट करवाना पड़ेगा स्टूडेंट का डाटा, तो अब अगर आपके पास बेशुमार डाटा है, ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, 5 है ना, यहाँ पर डाटा हो सकता था 60 70 80 90 100, ठीक है। अब ये तो हो गया यहाँ तक, ठीक है, तो मैं इधर मैंने एक और वैल्यू लगाया था डॉक्यूमेंट डॉट राइट के, ठीक है, तो अब ये हो गया चीज़ यहाँ तक। अब मैंने एक ए के साथ ही वो लूप चल रही है, तो मैंने क्या किया, यहाँ प्रोडक्ट था, मैंने प्रोडक्ट में बताया पहली लूप तो ठीक परफेक्ट वर्क करी, दूसरी लूप भी परफेक्ट वर्क करी, अगर मुझे अब तीसरी लूप बनानी होती तो कॉपी करता, ठीक है, यहाँ तक नहीं, ये चीज़ यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉपी करना है, क्योंकि टी आर टी डी को साथ लेके चलेंगे तो रो एक रो छोड़ेगा, अदरवाइज वो रो कट कर देगा, तो मैंने किया यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया, तो हमारे पास क्या बन गया। इसलिए मैं कह रहा था कमेंट लिखना आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ताकि आपको पता लग जाए कौन सी रो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो कमेंट लिखने का तरीका सिर्फ 2 स्लैश लगाने, 2 स्लैश लगाए और कमेंट लिख दिए, ठीक है, जावास्क्रिप्ट में कमेंट करना बहुत आसान है। अब ये 5 तक चले, हमारे पास कितने इंडेक्स पड़े हैं, इंडेक्स पे कितनी पड़ी वैल्यू, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, प्रिंट कितनी हो गई है, 1 2 3 4 5, मतलब 5 प्रिंट हो गई, 0 से 4 तक प्रिंट हो गई, ठीक है। अब हमें 0 से अब हमें प्रिंट करवानी है 5 से लेकर 5 वैल्यू को लेना है, और कहाँ तक प्रिंट करना है, 9 तक, 9 या 10 तक, ठीक है। सेव किया, रैप हो गया, क्या प्रॉब्लम आई है, प्रॉब्लम क्या आई है, कैप सारा स्ट्रक्चर कैप कर दिया, मिनट नो कमेंट डोर क्या, सॉरी ठीक हो गया, तो पहले बता देते, ठीक है। अब देखो सोचना, अब देखो प्रिंट करवा दिया, अब आपने क्या करना है, आपका अभी का काम है, आपके पास है 1.5 घंटा, आपने 1.5 घंटे में करना क्या, मैंने इस तरह वैल्यू दी है, ठीक है, ये कॉम्प्लिकेटेड हो गया, अभी तो मैं इसको सेव करके, अभी तो यहाँ तक तो प्रॉब्लम नहीं आ रही ना, मैं ज़रा वीडियो रोकता हूँ।